अब में बदलता मौसम प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। कोहरे और ठिठुरन के बीच प्रतिनिधि रात भर अलाव जलाकर स्ट्रांग रूम की चौकीदारी कर रहे हैं और इस दौरान स्ट्रांग रूम के बाहर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है, बूंदाबांदी का दौर जारी है और उसके साथ में ये तस्वीर मैं आपको इंदौर के नेहरू स्टेडियम से स्ट्रांग रूम की दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं, चप्पे चप्पे में पुलिस कर्मी मौजूद हैं, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और 9 विधानसभाएं इंदौर के और 9 विधानसभा की जो सीसीटीवी से एक से कनेक्ट करके एक बाहर एलईडी स्क्रीन लगाया गया है, यानी आप बाहर बैठ कर नजर रख सकते हैं अपने रूम पर, स्ट्रांग रूम पर जहां पर ईवीएम कैद है। दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो भी प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, 24 घंटे प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि सुबह का वक्त है और ठंड भी है इंदौर में, तो अलाव भी जल चुका है और आग तापते हुए सीसीटीवी से ईवीएम पर वो नजर रख रहे हैं। भाई साहब, किनके तरफ से आए हैं, कौन से प्रत्याशी की तरफ से? सांवेर 211 से आए, रीना बोरा थी। ठंड कितना कैसा नजर आ रहा है? ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा जमा हुआ है। हाँ। अलाव रात भर जला के निगरानी करते हैं। अच्छा, रात की बात करें, आप लोग रात भर यहीं थे, क्या रात को बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या उस वक्त यहाँ से स्क्रीन दिखता है? स्क्रीन दिखता है लेकिन थोड़ा भद्दा दिखता है। हाँ। लेकिन धुंधलापन आ जाता कोहरे के कारण, लेकिन फिर भी निगरानी हम लगातार 8-8 घंटे की करते हैं। तो क्या कोई डर है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? हाँ जी बोलिए। डर है, जभी तो बैठे। क्या क्या लगता है, क्या डर है? कोई छेड़छाड़ नहीं हो जाए। हाँ, हाँ, इस कारण बैठे। आप कहाँ से आए? कनाड़िया से। सांवेर से। तो रात को लेकिन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है मौसम की वजह से? बहुत खतरनाक। रात को क्या तेज हवा भी चल रही है? बहुत तेज हवा है, रात भर हमको बैठ के कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सामने हम स्क्रीन पे ही निगर देखते हैं, बाकी हमें कुछ और कहीं निगाह नहीं, हमारी सिर्फ स्ट्रांग रूम के अलावा हम कहीं और नजर नहीं कर रहे हैं। और कहीं निगाह नहीं है, निगाह सिर्फ एक जगह पर है और सिर्फ इनकी नहीं, मध्य प्रदेश की पूरी जनता, जितने भी सत्ताधारी पार्टी है, सभी की निगाहें हैं 3 तारीख पर। 3 तारीख के दिन काउंटिंग होना है, बेसब्री से लोगों को इंतजार है, लेकिन 3 तारीख के पहले जो प्रत्याशी का जो भाग्य है, भाग का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका और ईवीएम कितने सख्त ये कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच मौजूद है, वो तस्वीर हम आपको नेहरू स्टेडियम से दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।